नमस्कार दोस्तों, ग्रीटिंग आपसे एक यूट्यूब चैनल पे मैं आपसे आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ, बीएड का वीडियो है ये, और बीएड के सब्जेक्ट नॉलेज एंड करिकुलम का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने दिया था, देख सकते हैं आपका ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि ज्ञान निर्माण से आप क्या समझते हैं, उपयुक्त उदाहरण के साथ जानने के विभिन्न तरीकों को की जो है व्याख्या करें, ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट से नॉलेज एंड करिकुलम, देख सकते हैं ये मेरा ब्लॉग था, इस ब्लॉग को मैंने पोस्ट करा था। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अगर हमारे इस ब्लॉग को भी आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना देख सकते हैं अपना मेल आईडी डायल के यहाँ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि मैं जैसे ही नया कोई पोस्ट डालूंगा तो आपके मेल पे आ जाएगा। शुरू करते हैं इसका आंसर। इसका आंसर देखते हैं तो क्या निकल के आता है, इसका आंसर देखते हैं नॉलेज के निर्माण को लेकर के, यानी नॉलेज का क्रिएशन कैसे होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे, तफसील से समझेंगे। देख सकते हैं आपको मैं बताऊँगा कि किस तरीके से ज्ञान का सृजन होता है, किस तरीके से ज्ञान आता है। तो सबसे पहले तो देखें इंट्रोडक्शन में आपको लिखना होगा ज्ञान के निर्माण में, देख सकते हैं आप इस तरीके से लिखना होगा कि इसका हेडिंग सबसे पहले ऊपर में इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं कि भारतीय आध्यात्मिक दर्शनों के अनुसार ज्ञान हुआ है भारतीय दार्शनिक आध्यात्मिक दर्शन, यानी कि देख सकते हैं आप इसके आध्यात्मिक दर्शनों के अनुसार बताया जा रहा है कि ज्ञान वह है जो मनुष्य को उन्नत करता है, मनुष्य को क्या करता है, उन्नत करता है, मॉडर्न बनाता है तथा उसके लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। ज्ञान अज्ञानता इसके बारे में बताया जा रहा है कि ज्ञान जो है सो अज्ञानता डर और विध्वंस अंधविश्वासों को दूर करता है, ज्ञान चरित्र का निर्माण करता है एवं हमें अनुशासित करता है। सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है, ज्ञान निर्माण का प्रक्रिया देख सकते हैं ज्ञान ग्रहण करने से पूर्णतया भिन्न होता है। ज्ञान निर्माण की जो प्रक्रिया है वह क्या है, तो ज्ञान को ग्रहण करने से पूर्णतः अलग है, भिन्न है, उसमें अंतर है। इसके अंतर्गत छात्र प्राप्त ज्ञान को अपने अनुभव द्वारा परिवर्तन करते हुए उसके प्रयोग करता है, उसका जो है प्रयोग करता है, ज्ञान जब अर्जित करता है अपने अनुभव द्वारा और परिवर्तन भी करता है अपने अनुभवों में, ज्ञान जो प्राप्त करके जो अपने अनुभवों में परिवर्तन करता है और उसके साथ उसका उपयोग भी करता है, वह ज्ञान में कुछ देख सकते हैं कि वह ज्ञान में कुछ नई चीजों जैसे नई चीजों को वाद विवाद खोज खुले और स्वतंत्र रूप से सीखने में संबंध स्थापित करता है। अपने ज्ञान का जो कुछ नई चीजों के साथ वाद विवाद यानी तर्क के अनुसार, और यहाँ देख सकते हैं खोज खुले एवं स्वतंत्र रूप से सीखने में संबंध स्थापित करता है, सीखने में उसका संबंध स्थापित करता है। यहाँ देखिए आगे निकल के आता है इसी से कि ज्ञान के निर्माण में बच्चा विषय वस्तु संबंधित निम्नलिखित व्यवहार करता है। अब ज्ञान का निर्माण किस तरीके से होता है ये पॉइंट के थ्रू आप समझ सकते हैं। पहला पॉइंट निकल के आता है अवधारणाओं का अपना अर्थ, यानी जिसके मन में जो अवधारणा है उसका कोई अर्थ निकाल के, जब आप किसी चीज को अर्थ निकालते हैं अपनी अवधारणा को लेकर के, तब आप वह समझ पाते हैं कि यह किस चीज के बारे में कहा जा रहा है और कैसे कहा जा रहा है। तो ये वह अवधारणाओं के द्वारा आप अर्थ निकाल के ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि विचारों में वस्तुनिष्ठता। अब देखिए आप अपने विचार को लेकर के, किसी भी विचार को लेकर के उसमें वस्तुनिष्ठा यानी उसकी जो है वस्तुनिष्ठता आप तय करते हो तो आप इसके थ्रू भी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी के विचार है उस विचार को आपने अपने मन में वस्तुनिष्ठता कर लिया, उसको स्थापित कर लिया और उसको शॉर्ट फॉर्म में कर लिया तो ये कहलाएगा क्या, तो ये भी ज्ञान फॉर्मेशन कहलाएगा। वहां देख सकते हैं कि अधिगम परिमाणों, देख सकते हैं अधिगम परिणामों में विभिन्नता। आपने कुछ सीखा, आपने जो सीखा उस पर उसके जो परिणाम है उसमें अगर अंतर आता है तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। जैसे आपने अधिगम किया, कुछ भी चीज सीखा और उसका आपने एग्जाम दिया, पहले बार में आप फेल हो गए और दूसरे बार में पास हो गए, दोनों में भिन्नता है। अब दोनों परिणामों को मिला करके आपको क्या सीखने को आया कि पिछले बार आपने कम मेहनत किया था तो फेल हो गया
और इस बार अधिक मेहनत किया तो आपने अच्छे नंबर से पास करा। तो ये भी एक ज्ञान अर्जन की विधि कहा जा सकता है, ज्ञान को सीखने में एक उपागम के रूप में निकल के आता है। दूसरा पॉइंट निकल के आता है, देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है सृजनात्मक परिणाम। सृजनात्मक परिणाम यानी कि रचनात्मक परिणाम, आपने जो कुछ भी किया उसका रचनात्मक परिणाम निकल के आता है तो वह क्या कहलाएगा, ज्ञान सीखने की एक मकसद कहा जाएगा, ज्ञान सीखने का जो एक जरिया कहा जाएगा। देख सकते हैं विचारों में लोचशीलता एवं स्वतंत्रता। अब लोचशीलता का मतलब क्या होता है, तो जब आप विचार, लोचशीलता का मतलब होता है विनम्र, विनम्र यानी नम्रता। देख सकते हैं विचारों में अगर आप नम्रता लाते हो, अपने विचारों में नम्रता लाते हो तो आप इसके थ्रू भी अपना ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, जो कि विचार में लोचशीलता एवं स्वतंत्रता ला करके, क्या ला के, विचार में नम्रता एवं स्वतंत्रता को ला करके आप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि छात्रों का जो अपने कार्यों की अन्य, देख सकते हैं छात्रों का अपने कार्यों की अन्य से तुलना, यानी छात्र जो कार्य कर रहा है उस कार्य को जो अन्य से तुलना करके, अब जो भी कार्य कर रहे हो उस कार्य का आप किसी दूसरे छात्र से तुलना करके भी आप ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे विनोदपूर्ण अधिगम, यानी आप विनोदपूर्ण यानी कि हास्यप्रद, आप हंसी खेल में भी आप अधिगम जो कर रहे हैं उससे भी आप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बच्चे खेल खेल में सीखते हैं, ये भी आप स्टेटमेंट सुने होइएगा, तो इससे भी आप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। आगे निकल के आता है अंतःकरण अभिप्रेरण की भूमिका। अब अंतःकरण अभिप्रेरण क्या होता है, इंटरनल मॉडिफिकेशन की रोल जो है क्या होता है, अंतर द रोल ऑफ इंटरनल अभिप्रेरण यानी इंटरनल मोटिवेशन। तो अंदर से आप में जो मोटिवेशन आएगा उसकी भूमिका को लेकर के आप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध थे तो इस तरीके से अंतःकरण से उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि सामान्यतः गतिविधि आधारित शिक्षण। अब सामान्यतः गतिविधि आधारित शिक्षण किसे कहते हैं, जैसे कि देखेंगे कि किसी भी चीज को सीखने के लिए गतिविधि की आवश्यकता होती है, बच्चे गतिविधि से अधिक सीखते हैं, तो आप जो भी गतिविधि करा रहे हो उसके थ्रू जब बच्चा सीखता है तो उस खेल का भी उसमें, उस बच्चे में ज्ञान हो जाता है, उस खेल के द्वारा सीखे गए खेल का भी उस बच्चे में ज्ञान हो जाता है। तो इस तरीके से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट था जिससे आप ज्ञान प्राप्त करने के ये पॉइंट है। उसके बाद आपको कुछ लिखने होंगे नीचे, तो लिख सकते हैं उसको डिस्क्राइब करके, जैसे मैंने बता दिया उसको डिस्क्राइब ऐसे कर देना है हेडिंग डाल करके, और उसके बाद लिखना है नीचे में। देख सकते हैं कि ज्ञान के अध्ययन को ज्ञान मीमांस कहा जाता है। ज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ज्ञान मीमांस कहा जाता है। इसमें कहा गया है कि बच्चा अपने अनुभव से ज्ञान तथा उसके अर्थ को उत्पन्न करता है। क्या करता है, बच्चा अपने अनुभव से ज्ञान तथा इसके अर्थों को उत्पन्न करता है। समझ के विकास का तात्पर्य विचारों, मनोवृत्तियों, कार्यों एवं सामाजिक मान्यताओं के अर्थ और प्रयोजन को समझना होता है। इसमें क्या होता है, जब बच्चा का विकास होता है, बच्चा के समझ का विकास होता है, तो उसमें क्या होता है, तो तात्पर्य विचारों, देख सकते हैं उसके उसके जो समझ का विकास होता है बच्चा में, तो क्या, तो विचारों और मनोवृत्तियों, कार्यों एवं सामाजिक मान्यताओं के अर्थ और प्रयोजन को समझना होता है। उसमें क्या अर्थ है, उस चीज का क्या अर्थ है, सामाजिक अर्थ क्या है, उसकी मनोवृत्ति क्या है, उसका विचार क्या है, वो क्या कार्य क्या करना चाहता है, उन सभी चीजों का अर्थ भी और उसका प्रयोजन, वह किस लिए बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, इस चीज को भी समझना होता है। इस सिद्धांत पर आगे कह रहा है कि इस सिद्धांत के द्वारा यह दर्शाया जाता है कि कैसे शिक्षक उपागम को शिक्षण के पाठ्यक्रमों में रूपांतरित किया जा सकता है। कैसे शैक्षिक उपागम मतलब कैसे स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से, किस विधि के द्वारा शिक्षण को जो टीचिंग है उस
टीचिंग को, अध्यापन को पाठ्यक्रम में रूपांतरित किया जाता है, पाठ्यक्रम में किस तरीके से उसको रूपांतरित किया जा सकता है यानी बदला जा सकता है, तथा कैसे शिक्षा शास्त्र को शिक्षक की प्रायोगिक रणनीतियों तथा क्रियाओं में विकसित किया जा सकता है, उसको प्रायोगिक रणनीतियों तथा क्रियाओं में विकसित किया जा सकता है। अब इस चीज को जानना होगा आपको। उसके बाद कह रहा है कि जैसे में हम लेते हैं उदाहरण कि माँ शब्द बच्चे के लिए आरंभ में ध्वनि के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है। सही बात है, जब बच्चा छोटा होता है तो माँ शब्द सिर्फ एक आदमी के नाम के तौर पे वह जानता है कि फलाने आदमी का नाम, फलाने लेडीज का नाम, फलाने महिला का नाम माँ है, तो वह माँ के नाम से जानता है। लेकिन माँ का अर्थ वो बच्चा नहीं समझता रहता है कि माँ का अर्थ क्या होता है। लेकिन जब माँ शब्द का संबंध माता से जुड़ जाता है तब बच्चा माँ का अर्थ समझता है, और समझ के आधार पर वे जो क्या करता है, समझ के आधार पर वे उपयुक्त शैक्षिक अवसर या अनुभूतियां है, देख सकते हैं शैक्षिक अवसर या क्या है, समझ के आधार पर वे उपयुक्त शैक्षिक अवसर या अनुभूतियां हैं जिन्हें बच्चा शब्दों या वाक्यों में अभिव्यक्त करता है। अब वह जान लेता है कि ये किस चीज को माँ कहा जाता है। अब देख सकते हैं उसके बाद कुछ परिभाषाएं हैं ज्ञान निर्माण को लेकर के, देख सकते हैं, तो इसको आप भी लिख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कि शर्मा एवं बिरौलिया के अनुसार, देख सकते हैं शर्मा एवं बरौलिया के अनुसार क्या कहते हैं शर्मा जी, तो ज्ञान के निर्माण का आशय सूचनाओं का प्रबंधन, ज्ञान के निर्माण का जो आशय है मतलब है क्या है, तो प्रबंधन है, संगठन है और पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया से है। किससे है, तो पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया से है। किस चीज को, प्रबंधन संगठन एवं पुनः प्राकृतिक की प्रक्रिया से है, पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया से है, जिसमें क्या कहा जाता है, तो विज्ञान तकनीकी दर्शन एवं सामाजिक व्यवस्थाओं, जिसमें कि क्या किया जाता है कि विज्ञान तकनीकी एवं सामाजिक व्यवस्थाओं से संबंधित तथ्यों को सरलीकृत रूप से यानी सिंप्लीफिकेशन करके, तथ्य है इसका स्टेटमेंट है उसको सरलीकृत रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया में शिक्षक, इसमें क्या किया जाता है, तो जिसमें सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया में शिक्षक, शिक्षालय देख सकते हैं एवं विद्यार्थी तीनों को ही सहायता मिलती है। शिक्षालय का कहने का मतलब यहाँ पर विद्यालय होगा, शिक्षक यानी गुरुजी जिसे को बोलते हैं मास्टर साहेब, और शिक्षार्थी तीनों का ही सहायता मिलती है, तीनों को सहायता मिलती है। अब नेक्स्ट परिभाषा है, देख सकते हैं दुबे के अनुसार, दुबे जी कहते हैं कि ज्ञान के निर्माण का मतलब है कि सूचनाओं के संगठनात्मक एवं उपयोगी स्वरूप से है, जिसके माध्यम से छात्रों को सर्वांगीण विकास हेतु ज्ञानात्मक सामग्री की उपलब्धता सरलता से होती है। किसे होती है, सरलता से होती है, क्या, तो जिसके माध्यम से सर्वांगीण विकास हेतु ज्ञानात्मक सामग्री की उपलब्धता जो है सरलता से होती है, आसानी से हो जाती है, तथा देख सकते हैं तथा छात्र स्वयं बिखरी हुई सूचनाओं एवं अधिगम गतिविधियों को व्यवस्थित करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, तथा छात्र जो है स्वयं बिखरी हुई सूचनाओं एवं अधिगम गतिविधियों को व्यवस्थित करके क्या करते हैं, तो ज्ञान प्राप्त करते हैं, और स्वयं देख सकते हैं और स्वयं स्वयं के देख सकते हैं और स्वयं के सर्वांगीण विकास को पथ प्रशस्त करते हैं, क्या करते हैं, तो स्वयं के सर्वांगीण विकास को पथ प्रशस्त करते हैं। उसके बाद निकल के आता है नेक्स्ट डेफिनेशन यहाँ पर कि एगागो एवं कौचक के अनुसार क्या कहते हैं कि एगागो एंड कौचक के नाम ने जो है ज्ञान के निर्माण के बारे में कहा कि ज्ञान का निर्माण सीखने का एक दृष्टिकोण है, सीखने का एक दृष्टिकोण है ज्ञान का निर्माण, जो बच्चे को अपने अनुभव का प्रयोग कर सक्रिय रूप से समझ के निर्माण से है। किससे है, तो सक्रिय रूप से समझ के निर्माण से है, देख सकते हैं अपने अनुभव का प्रयोग कर सक्रिय रूप से समझ के निर्माण से है, न कि पहले से संगठित ज्ञान की समझ से है।
अब नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है जॉन डेवी के अनुसार, देख सकते हैं यहाँ पे कि केवल केवल वही ज्ञान ही वास्तविक है, जो केवल कह रहा है कि केवल वही ज्ञान वास्तविक है जो हमारे प्रकृति में संगठित हो, जो हमारे प्रकृति में संगठित हो गया है, जिससे हम पर्यावरण को अपनी आवश्यकता के अनुकूल बनाने में समर्थ हो सकते हैं, जिससे हम पर्यावरण के पर्यावरण को अपनी आवश्यकता के अनुकूल बनाने में समर्थ हो सके और अपने आदर्शों देख सकते हैं अपने आदर्शों तथा इच्छाओं को उस स्थिति के अनुकूल बना लें, उस स्थिति के अनुकूल बना लें जिसमें कि हम रहते हैं, जिसमें हम रहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि वेबस्टर के अनुसार, नेक्स्ट डेफिनेशन है कि वेबस्टर के अनुसार ज्ञान, ये कहते हैं कि ज्ञान वह है जो ज्ञात है, ज्ञान वह है जो ज्ञात है और ज्ञात होने के बाद, यानी जो जानता है, ज्ञात होना कहता है कि और ज्ञात होने के बाद संचित रहता है, ज्ञात होने के बाद संचित रहता है या वह जानकारी जो वास्तविक अनुभव द्वारा प्राप्त होती है, यह क्या कहलाएगा, ज्ञान कहलाएगा। देख सकते हैं अगला परिभाषा है प्रोफेसर जोड़ के अनुसार, ये कहते हैं कि ज्ञान हमारी उपस्थिति, जानकारी और अनुभव के भंडार में वृद्धि करता है। ज्ञान जो हमारी उपस्थिति यानी प्रेजेंटेशन, हमारा प्रेजेंटेशन कहाँ है और कहाँ तक है, इसकी जानकारी और अनुभव के भंडार की में जो वृद्धि है, उसके अनुभव में भंडार जो उसका अनुभव जितना है उसके उसमें वृद्धि करता है, वृद्धि का नाम है। अब देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है और उसी में से आप कंक्लूजन टाइप से लिख सकते हैं कि उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि ज्ञान का निर्माण सूचनाओं का प्रबंधन एवं संगठन है, ज्ञान होने के बाद संचित रहता है और जो है कि वास्तविक अनुभव द्वारा प्राप्त होता है और अनुभव के भंडारण में वृद्धि करता है। तो इस परिभाषाओं से मेरा यही कंक्लूजन निकल के आया। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।